नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के सबसे लोकप्रिय चैनल आर एस एजुकेशन अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो राजस्थान पुलिस SI भर्ती की तैयारी कर रही सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास रहने वाली है तथा आज की इस वीडियो में जानेंगे राजस्थान पुलिस SI भर्ती का संपूर्ण सिलेबस 2021। दोस्तों, ये तो आप सभी को पता ही है, जो पहले वाला सिलेबस था वो भी जो फर्स्ट पेपर आपका आता था हिंदी का आता था और 200% 2 घंटे में आपको करने थे। इसी प्रकार से जो सेकंड पेपर आता था वो जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का था, उसमें भी 200% थे और 2 घंटे का था तथा नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहती है। तो दोस्तों, एक बार देख लेते हैं संपूर्ण सिलेबस को। दोस्तों, यदि अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल राजस्थान की सभी बेरोजगार विद्यार्थियों के हितों में ही समर्पित है। RPSC अजमेर के द्वारा जो सिलेबस है उसको आप यहाँ पर देख लीजिए। पेपर फर्स्ट हिंदी का ये पेपर है और यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे शब्द रचना आएंगी, जिसमें संधि है और संधि विच्छेद है, समास है, उपसर्ग और प्रत्यय है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में सेकंड है शब्द प्रकार। शब्द प्रकार में तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द वो आएंगे और इसी के 6 भाग में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, विस्मयबोधक और निपात से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। थर्ड पॉइंट दोस्तों, आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें शब्द ज्ञान से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और शब्द ज्ञान में पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, शब्द युग्मों का अर्थ भेद है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, सार्थक शब्द और समश्रुत भिन्नात्मक शब्द, समानार्थी शब्दों का विवेक, उपयुक्त शब्द चयन और संबंधवाची शब्दावली से संबंधित यहाँ से आपसे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। उसी प्रकार से दोस्तों, फोर्थ यहाँ पर देख लेते हैं, शब्द शुद्धि से संबंधित प्रश्न आएंगे। 5वें नंबर पर व्याकरणिक कोटियाँ, जैसे कि परसग है, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, पक्ष और वाच्य से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में 6ठे पॉइंट पर आप देख सकते हैं वाक्य रचना, 7वें नंबर पर वाक्य शुद्धि, 8वें नंबर पर विराम चिन्हों का प्रयोग से संबंधित प्रश्न आएंगे। वहीं 9वें नंबर पर आप देखें मुहावरे और लोकोक्तियां से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। 10वें नंबर पर दोस्तों आप देख सकते हैं पारिभाषिक शब्दावली, यानी कि प्रशासनिक विधिक विशेषता से संबंधित यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा सिलेबस हिंदी का है। फर्स्ट पेपर का जो आपका होगा वो आपका यहाँ पर पूरा ये जो सिलेबस है वो है और यहाँ पर आप जो पैटर्न आप समझ लीजिए, मैक्सिमम मार्क आपके 200 आएंगे और आपका जो टाइम आपको मिलेगा वो भी 2 घंटे मिलने वाला है। और यहाँ पर 3 will be 100 question ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव ट्राई करेंगे इक्वल मार्क, यानी कि सभी प्रश्नों के जो नंबर हैं वो इक्वल हैं, यानी कि समान आपको नंबर यहाँ पर मिलने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप नेगेटिव मार्किंग और देख लीजिए, जो नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है वो 1/3, यानी कि जो ये 1/3 वाली नेगेटिव मार्किंग रहती है बहुत ही हार्ड रहती है और इसमें सबसे ज़्यादा नंबर काटे जाते हैं अगर आप गलत प्रश्न करके आते हो तो। इससे अभी से ही आप ध्यान रख लीजिए, जितना हो सके आप जो आप पर प्रश्न आ रहे हैं उन्हीं को करें, गलत प्रश्न नहीं करें। ठीक है, अब दोस्तों हम देख लेते हैं सेकेंड भाग। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेपर का सेकंड भाग है और यहाँ पर जनरल नॉलेज, जनरल साइंस से संबंधित आपसे हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर और ट्रेडिशन एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान से संबंधित यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सबसे पहले देख लीजिए मेजर जो हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको एक बार आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये इंग्लिश में दे रखा है इसलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेजर लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, मेजर डायनेस्टिक दियर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू सिस्टम, सोशियो कल्चर इश्यू से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, फ्रीडम मूवमेंट, पॉलिटिकल अवेकिंग एंड इंट्रीगेशन से संबंधित यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं लोक देवता से संबंधित, फोल्क डांस, लोक संस्कृति से संबंधित आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री में दोस्तों आपसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरा आप देख लीजिए और इसका आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। मॉडर्न पीरियड से संबंधित इंडियन हिस्ट्री के प्रश्न पूछे जाएंगे, इंसेंट और मेडिवल पीरियड से संबंधित यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया से संबंधित भी आपके प्रश्न आएंगे। और यहाँ पर दोस्तों
वर्ल्ड जो ज्योग्राफी है उससे प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप पूरा देख लीजिए एक बार सिलेबस, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से संबंधित भी ये प्रश्न आएंगे। पूरे पॉइंटों में एक एक पॉइंट है, आपको ये सभी क्लियर करने हैं, अच्छी तरह से आपको याद करने हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान से संबंधित ये प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आपको एक एक पॉइंट पूरी तरह से अच्छे तरीके से क्लियर करना है ताकि आपका फर्स्ट बार में ही अब की बार SI भर्ती जो कि 859 पदों पर निकली है इसमें सिलेक्शन आपका हो जाए। ठीक है, यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस, यानी कि आपसे दोस्तों यहाँ पर संविधान पर राजनीतिक विज्ञान से संबंधित ये प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर पूरे एक एक पॉइंट आप देख लेना, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको यहाँ पर पूरे पॉइंट बता रहा हूँ। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी एंड राइट्स, जो क्या क्या नियम है पूरे सिस्टम, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें इतने सारे पॉइंट हैं। और लास्ट में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड इंडियन इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी से संबंधित है, दूसरे नंबर पर इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एंड प्लानिंग है यानी कि पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित भी इसमें प्रश्न आएंगे, और ह्यूमन रिसोर्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। और फिर उसके बाद में इकोनॉमी राजस्थान है यानी कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था संबंधित प्रश्न आने वाले हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं रीजनिंग एंड मेंटल एवेलेबिलिटी यानी कि तार्किक योग्य क्षमता से संबंधित आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। इसमें मेंटल एबिलिटी है और बेसिक न्यूमेरिक की है यानी कि दोस्तों आपसे जो मैथ फर्स्ट मैथ है उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे, छोटे मोटे ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, करंट अफेयर कहीं से भी आ सकती है, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, सभी प्रकार की यहाँ पर करंट अफेयर्स आती है। ज़्यादातर दोस्तों यहाँ पर राजस्थान से संबंधित प्रश्न जो करंट अफेयर्स के होते हैं वो आते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप पूरा पैटर्न एक बार देख लीजिए कि इसमें मैक्सिमम मार्क आपके 200 हैं और 200 जो 2 घंटे का ही आपका ये पेपर है और इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो इस प्रकार से आपके ये दोनों पेपर हैं, आपको अच्छे तरीके से हल करना है ताकि आप अच्छी तरह से सफल हो सको इसमें पेपर में। और आपको SI भर्ती जो कि 859 पदों पर चल रही है इसकी संपूर्ण जानकारी पाने के लिए आप अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों जो भी लेटेस्ट न्यूज आएगी आपको यहाँ पर अपडेट करवा दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।